सके, लगा के ये करना चाहिए। इसीलिए हम है सर, इसीलिए हमें गवर्नमेंट ने नियुक्त करके रखा है, इसीलिए इतने सारे ऑफिसर्स को रखे हैं कि पब्लिक को दिक्कत कहीं ना हो। फिर हम इंतजार करते रहेंगे कहीं से आएगा वो करेंगे तो होगा, तो फिर तो बहुत अफसोस वाले बात। मैं आपके सेवक हूँ, आपके इश्यू को सुनने के लिए, आपके इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप लोग समय निकल कर यहाँ पर आए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी आपके जितने भी इश्यू है एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी आपने मिनट्स में लिखा है इनको प्लीज समय पे आप कर दीजिए। जैसे फ्लड आया है वो उसी समय साफ कर सकते हैं, उसी समय कम से कम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है। साथ एक रिटर्न एप्लीकेशन मुझे भेजिएगा, हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। कैमरा लगा होगा तो लिहाजा वो उसको देख ही जनाब आप भी, क्योंकि इनके ऊपर ये 11 लाख हो रहा है। और उसके बाद कमीशन के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तरफ से जितने भी स्कीम्स थे उन सब के बारे में उनको जागरूकता थोड़ा दिलाने की कोशिश किया, ताकि क्योंकि मैंने भारत के जिस हिस्से में भी गए कई जगह पे हमने ये कमी महसूस किया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी होते हैं, जिसके कारण जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स होते हैं उसका वो भरपूर फायदा नहीं ले पाते हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को मालूम हो सबसे पहले तो कि क्या क्या स्कीम्स होते हैं।